बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात आसानी में बदल चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चक्रवात आज शाम तक अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही यह उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ने और 24 घंटे के अंदर पूर्व मध्य में भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके साथ ही यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भी पहुंच सकता है। इसके बाद 10 मई की शाम से बारिश शुरू होगी। उड़ीसा के तीनों जिलों गजपति, गंजम और पुरी के लिए बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 मई से 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा गया है कि 10 मई तक वे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर न जाएं। उड़ीसा तट के समुद्र की स्थिति 9 व 10 मई को खराब रहेगी। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, जो 11 मई तक बनी रहेगी। चक्रवाती तूफान का असर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देगा। मौसम विभाग की ओर से इन सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। IMD ने बताया कि उड़ीसा के तटीय जिलों और कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में मंगलवार से हल्की मध्यम बारिश शुरू होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।